आपको इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर भी दिखाते हैं। नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। मेडिकल के 134 छात्रों ने नेपाल के विश्वविद्यालय पर जबरन फेल करने और डिग्री रोकने का आरोप लगाया है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में पीड़ित छात्रों ने भारतीय दूतावास और पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। खबर है कि जिन छात्रों ने मामले को उजागर किया है, अब उन्हें धमकियां तक दी जा रही हैं। आपको बताते चलें कि नेपाल में करीब 3000 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनसे नेपाली छात्रों के मुकाबले 3 गुना करीब 60 से 70 लाख रुपए फीस वसूली जाती है और इसके बावजूद भेदभाव हो रहा है इन भारतीय छात्रों के साथ। काठमांडू विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के छात्रों के साथ पक्षपात, अब ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। कई छात्र हैं जिन्होंने इंडियन एम्बेसी को चिट्ठी लिखी, पीएमओ को चिट्ठी लिखी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चिट्ठी लिखी, और जब ये चिट्ठियां लिखी गई उसके बाद लगातार इन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुई। इस बाबत कई चिट्ठियां हुई हैं और सख्त निर्देश, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये जो चिट्ठी हमारे हाथ में, रिप्रेजेंटेशन टू पीएमओ फ्रॉम श्री महावीर गुर्जर, ये एक विद्यार्थी है, इनको साफ तौर से ये कहा गया है, रेफरेंस टू योर ट्रेलिंग मेल अटैच लेटर, यू आर एडवाइज टू काइंडली रिपोर्ट द मैटर टू द लोकल पुलिस अथॉरिटीज फॉर सूटेबल एक्शन इन दिस रिगार्ड। यानी कि साफ तौर से निर्देश दिया जा रहा है महावीर गुर्जर, जो एक पीड़ित छात्र हैं, इन्हें कि आप इस मामले को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जो पक्षपात भारतीय मूल के विद्यार्थियों के साथ हो रहा था उसको इन्होंने सामने सबके लाने की कोशिश की। इन्होंने चिट्ठियां लिखी पीएमओ में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इंडियन एम्बेसी में, और यहां तक कि जो अधिकारी हैं नेपाल में उनको भी। विराट नगर में नोबल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, और वहाँ पर क्या है कि जो हमारे काठमांडू यूनिवर्सिटी के जो जो एग्जाम रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, वो लोग क्या है कि लगातार हम लोगों को हर से 3 साल से फेल किए जा रहे हैं, और मेरा डिग्री 2015 तक पूरा हो जाना चाहिए था, पर उन लोगों ने अभी तक मुझे डिग्री नहीं दिया है। मैं यहाँ पर अब और भी बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, सभी बच्चों के साथ में हो रहा है। कोई बच्चे को 2 साल ब्रेक कर दिया है, किसी बच्चे को 3 साल ब्रेक किया हुआ है, और कोई बच्चा यहाँ से बिना डिग्री के लेके चला गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना डिग्री के चले गए हैं, अभी और भी बच्चे आने वाले हैं जो बच्चे बिना डिग्री के चले गए हैं यहाँ से। नेपाल में पहले हम लोगों को ठीक लगता था कि भाई MBBS इज इजी देयर अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो, लेकिन जिस साल मैं आई हूँ 2014 में, उस साल हम लोगों को कुछ ठीक लगता था, हम लोग सब सेम क्लास में पढ़ते थे, कोई भी वो पार्शियलिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो जैसे हम लोगों ने एग्जाम वगैरह दिया तो हम लोगों का 6 महीना लैक लगने लगा, फिर 1 साल हो गया, फिर 1.5 साल हो गया। सेकंड ईयर का जैसे एग्जाम दिया, फिर सेकंड ईयर का मेरा 2 एग्जाम था जिसके अंदर 38 नंबर, दोनों एग्जाम में 38 नंबर आए थे। उस 2 एग्जाम के चक्कर में मेरे को 1.5 साल रोक दिया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड ईयर अब दिसंबर में देंगे, उसमें भी कोई पता नहीं है कि भी वो लोग हमें पास करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे सारे स्टूडेंट जो इंडियंस लोग हैं उनके सारे रिजल्ट रोक दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग के साथ, हम लोग भी पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे बैच में 12th बैच से हूँ, तो ऐसे 90% मतलब जो है 50-50% है नेपाली इंडियंस, तो 50% सारे नेपाली पास है, इंडियन में ऐसे सारे के रिजल्ट रोक दिया जाते, मेरे भी रिजल्ट रोक दिए जा रहे हैं, मैं सारे रोक दिए जा रहा। सीधे जुड़ रहे हैं शिव पूजन, जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे के मान लीजिए नंबर कम ज्यादा या कुछ डिस्क्रिपेंसी होते हैं, उसके लिए रीवैल्यूएशन, री एग्जामिनेशन, 50 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, ये जो लटकाने की कोशिश नेपालीज कॉलेजों द्वारा की जा रही है मेडिकल छात्रों को, क्या इसके पीछे की मंशा है? क्या ये सिंपली एक मनी मेकिंग एक्सरसाइज है कि जितनी ज्यादा समय रहेंगे उतना ज्यादा इनसे उगाही की जा सके? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, और उसी बाबत ये चिट्ठी जो हमारे पास है इंडिया न्यूज के पास, खास तौर से ये काठमांडू यूनिवर्सिटी का ही है। साफ तौर से कहा जा रहा है एक तरह से कि जो चाहते हैं कि उसका रीवैल्यूएशन हो, उन्हें 500 रूपये हर सब्जेक्ट के हिसाब से जमा करना पड़ेगा, और अगर आंसर शीट को वो देखना चाहते हैं कि सही तरीके से मार्किंग हुई भी है या नहीं, तो उसके लिए 5,000 रूपये पर पेपर दिए जाएंगे। हमने कई केस स्टडीज किए जिसमें साफ तौर से ये पता चलता है कि इन लोगों ने ये 500 रूपये की जो फी है उसको जमा किया, 5,000 रूपये फिर बाद में दिए, वो पेपर को भी देखना चाहते हैं।
आंसर सही है उनका कहना है, लेकिन उसके बावजूद एक कट मार्क लगा दिया जाता है और उन्हें फेल कर दिया जाता है। और एक साल की ये कहानी नहीं है, पिछले छह साल से लगातार महावीर गुर्जर की हम बात कर लें, नेहा की बात कर लें, या जो भी केस स्टडीज हमने किए, कई साल दर साल इनको फेल किया जा रहा है। हालांकि इन स्टूडेंट्स का मानना है कि ये पिछले चार पांच सालों से होना शुरू हुआ है, तब जब से कि जो कुछ डीन है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम खुद नहीं कर पाए, लेकिन तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से भेदभाव किया जा रहा है। एक मंशा जाहिर तौर पर यह भी हो सकती है कि चूंकि काफी ज्यादा फीस, मोटी रकम वसूली जाती है, तो शायद लटका करके और ज्यादा पैसे वसूले जाएं। लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि बड़ी तादाद में अलग अलग क्षेत्रों से भारत के लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा एमबीबीएस की सीटें नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर के उनको लगता है कि वो एक तरीके से फंस गए। और बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा कि इंडियन अथॉरिटीज इस पर क्या कहती हैं। शिवपूजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी खबर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेपाल से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव खबर हम आप